दिवाली से पहले योगी देने जा रहे यूपी वालों को जबरदस्त तोहफा, बन गई तोहफा पाने वालों की लिस्ट। गौर से देखिए कहीं इसमें आपका नाम तो नहीं। इस बार की दिवाली होगी बहुत खुशियों वाली। त्योहार से पहले ही आपके घर पहुंचेगा योगी का ये खास तोहफा, खोलते ही आप उछल पड़ेंगे। लाखों लोगों को मिलने जा रहा महाराज का खास तोहफा, यूपी की जनता के लिए खोल दिया सरकारी खजाना, बस बाकी है आप तक योगी का तोहफा आना। इस बार की दिवाली वाकई खुशियों वाली होने जा रही है। उसकी खास वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने यूपी वालों के लिए त्योहार के मौके पर सरकारी खजाना खोल दिया है। इस बार लोगों तक ये खास तोहफा जल्दी पहुंचने वाला है, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ के आदेश पर एक पूरी लिस्ट तैयार की गई है, जिसमें उन लोगों का नाम दर्ज है जिनको ये उपहार सरकार देने जा रही है। दिवाली से ठीक पहले पहुंचेगा आप तक योगी का उपहार, खास तोहफा देने जा रही सरकार। पिछले 6 साल से लगातार योगी आदित्यनाथ यूपी की जनता को अलग अलग तोहफा दे रहे हैं। सबसे पहले गरीब परिवारों को सिलेंडर का तोहफा दिया, फिर जिनके पास मकान नहीं थे उनको मकान मुहैया कराया था। लेकिन इस बार की दिवाली पर योगी सरकार खास तोहफा देने जा रही है। दरअसल दिवाली पर यूपी सरकार के कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों को जबरदस्त उपहार मिलेगा। इसमें 46% महंगाई भत्ता जुड़कर आएगा। योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया है कि राज्य कर्मचारियों और टीचरों को अब 42 के स्थान पर 46% महंगाई भत्ता मिलेगा। वहीं अराजपत्रित कर्मचारियों को अधिकतम 7,000 तक का बोनस दिया जाएगा। ये लाभ सभी को 1 जुलाई 2023 से दिया जाएगा। ये लाभ 10 लाख कर्मचारियों और करीब 8 लाख टीचरों को मिलेगा। यानी आप यूपी में रहते हैं और यूपी सरकार के अंतर्गत काम करते हैं तो आपको इसका फायदा मिलने जा रहा है। स्पेशल डेस्क SMT। दिवाली से पहले योगी देने जा रहे यूपी वालों को जबरदस्त तोहफा, बन गई तोहफा पाने वालों की लिस्ट। गौर से देखिए कहीं इसमें आपका नाम तो नहीं। इस बार की दिवाली होगी बहुत खुशियों वाली। त्योहार से पहले ही आपके घर पहुंचेगा योगी का ये खास तोहफा, खोलते ही आप उछल पड़ेंगे। लाखों लोगों को मिलने जा रहा महाराज का खास तोहफा, यूपी की जनता के लिए खोल दिया सरकारी खजाना, बस बाकी है आप तक योगी का तोहफा आना। सब्सक्राइब करें SAM TV, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।